हेलो गाइस, राधे राधे। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, जा रही हूँ गणेश जी विसर्जन में। गणेश जी चुदंदर में। तो आज देखो मैंने साड़ी बांध ली है और आज मैं बहुत ज्यादा नाचूंगी, बहुत ज्यादा, बस मम्मी भाना है यार, बहुत ज्यादा नाचूंगी, डांस करूंगी। तो गाइस, जो अभी जाके नाचेंगे संगा में, लला मुड़म पीर हो रही, पूरा शरीर दुख रहा। दवाई ले ये तब मैं पानी में भेजी, दवाई ले अच्छा लग रहा हूँ। सोनम लगा रही है पोछा, देखियो गाइस मैं ब्याह भैया के ना है। कमेंट में बता देना कि प्रदीप के संगे को ब्याह करे, बता देंगे। आजा बोला पुचकार पुचकार, सैया बोला में पुचकार। तो कमेंट में मजा आ जानी मैं संगे को ब्याह करे। मैं मम्मी सही गई हां भाभी, ये कहीं में एक ही मरी है, बता दे रहे। तो मम्मी मुझे दे रही आज कपड़े का 1 रुपया, फिर मम्मी का आइडिया चेंज हो गया इसके लिए, कह रही बैंक 1 रुपया कैसे लगा रहे जाए। हैं दिखाए तो दही जाके चक्कर में, तो हमारे कपड़ा नहीं लिप पे जा रहे, रुपया दे रही थी मम्मी। वो कहा है देव में पपीता, कब चाहिए तो ना है, अभी हम फोन करो। हे गाइस, क्या पहने हैं? चूड़ी पहन रही हूँ गाइस। चूड़ी पहन रही हूँ। देखो गाइस, मेरे घर के नौकर हम चले गए थे तब तुम्हें ही करने पर, तो यार नौकर के दूल्हा चाकर चाकर कहे तो मम्मी गाना आएगा जो हमें ना बज रहा हो तो ना, हम सुंदर रह रहे थे। चेतर उड़ा देंगे तेरे तितर उड़ा देंगे हेलो गाइस, एक बड़ुआ है वो कमेंट कर रहा हमारी वीडियो में, ससुर तू काहे को हमारे पुराने हथियार उठवाए रहो, तू सुधर जा साले कुत्ता कंजड़ सुअर की औलाद, तू मान नहीं रहो, हम सुधर गए, हम तुझे गाली नहीं देना चाहते, लेकिन तेरी गाने में मिर्चे ऐसी लगी है कि दे गारी बड़ुआ तेरी, हम तू समझ ले का कर सकत हम तेरो। तू हर वीडियो में कमेंट करता है, तू का चाह रहो, धरती पर बोझ नहीं झिल रहा है, धरती पर है ना, अरे तू पैदा भाव तो तेरी अम्मा पे बोझ कैसे झिलो, तो तू जब पैदा भाव तो राक्षस, तो तेरी अम्मा पे कैसे बोझ झिलो, तो बता रहे तो इस कुत्ता सुधर जा तेरी, हम समझ ले। ले न्यू पेंट डरो गुस्सा पेंट एंड सब फेंक दो, लौटिया दू है गोजू दे गठन ना रोना हां हाल तो नए पेंट मिल कमा लिया, तो एक बोलिया तो बहुत कमाते हैं, अमृत
क्या महीना में 4.5 लाख कमाए है, 4.5 लाख कमाए और सत के सब भैया तुमने ये चेन गोल्ड कहाँ से बनवाई, फट फट ले बनी गई, अगर बना लगे तो दुनिया ऐसी बना ले, ले बना ले चेन। अब सोरन तुम पूछो चेन कैसे बनवाई, हाँ कैसे बनवाई जा चेन, गेम करो मेरी आईडी खोलो उस पर मेंशन करो, कितने मिनट का 4.5 लाख कमाओ भैया, झूठा हो सो मरे हो तो ये 2-4 पैदा भाई हुई है, हमें तो कोई कहते ही नहीं तो तुम हमें जी दो। अब तुम पूछो सोरन तो तुमने आईफोन कैसे लिया, कैसे लो आईफोन, आईफोन मेरी आईडी पे जाओ उस पर एक अपना पसंदी गेम डाउनलोड करो, उस गेम पर पिटर पिटर करके सीधा बैकग्राउंड जाओ, बैकग्राउंड आईफोन सुनिया का एक दुनिया चूतिया बनाया, सब फेक है, रुपया मिलते उन्हें ताश हुए लोग करते हैं, चांदी को नोट मिलो बताओ, हाँ गेम खेले 2,000 को 3,75,000 को मिलो, हाँ देख लो यकीन नहीं चांदी को नोट है, ऐसो करो ऐसो ही देखो, ऐसो करो ऐसो, चांदी को नहीं है भैया जो हीरा जवाहर को है, जो 10 रुपया को नहीं रो 2,000 बनाएगा, अबे चूतिया 2,000 को नोट दो, मने बड़े घमंड से बोलो फलाने भाई हम 2,000 को नोट दो, चांदी टेंशन करते 10 रुपया में कम लो काहे नहीं लो, टेलर को नोट दे आइए 2,000 को पेंट से मार लिया ठीक है, अगर दीदी कहे 100 रुपए ले ले 1900 रुपए ले ले, चांदी को नोट है यार सिंधी है जबड़ा मार दी। देखो गाइस तुम मेरे होता तुम के पे पेट की बात बता दे, लोनिया की बात ना बनाइयो, गन डाउनलोड करो गेम करो पलान करो लड़का, इन्हें में 2 रुपया नहीं आता है, हम तुम्हें सही बताया, हां उन्हें तो रुपया मिलते ताश बोलती वे लोग, तो बकर 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 क्रीम लगाओ बूढ़े से जवान हो जाओ, 40 साल की उम्र में 25 के दिखोगे, लगाओ फाउंडेशन लगाओ क्रीम समझ भाई लोग कछु नहीं बाबू भाई, तो देखो भैया री चल 100 रुपया ले जा काय बनू इतो कमाओ 4.5 लाख रुपया कमाए जमान को 100 कम कमाए और का 100 कम मिले अब भैया 4.5 लाख देख निरे लोगन टट्टी होन लगी तुम्हारे किस्म लेट भरी गई इतनी घबराए गए लोग बताओ इन लोगों ने 4.5 लाख कमाए ले भाई, तो तुम ऐसे ही जोड़ जाओ 10 सालों में कितने लोग करोड़पति हो जाए, हनुमान बेटा सत्य किसान सत्य के गंदा किस्म का रे फॉर्चूनर ली जे दिन तब आई जब फॉर्चूनर ले ली और अगर पहले से हम कमाते होते तो संजना ही बिदाई हमारे हेलीकॉप्टर में होती होती नहीं होती तू बता हाथ में ना होती कि नहीं होती 4.5 9 और 9 × 18 और 18 में 10 को गुणा कर दो कितने बन गए हेलीकॉप्टर आएगा और गेम खेल ली मेरी आईडी को मेंशन करो इस पे क्लिक करो यहाँ से बैकग्राउंड करो ये करो वो करो और बस हेलीकॉप्टर, संजना की अगर शादी 6 महीना बाद होती तो मेरे एरोप्लेन सॉरी बेटा मरे तो माँ बेटा पैदा भाई सारे कुत्ता हो कमेंट तुम गलत कर रहे हो लेकिन सारे हो हम जैसा झूठा नहीं मिले तुम्हारी किस्म खा रहे गाय 4.5 लाख रुपया कमाओ मैंने और एरोप्लेन करोप्लेन करना ज्यादा स्कॉर्पियो करो मैंने करो तुम्हारी किस्म सारे हो कमेंट लगा कोई मारे हो हमारे करण भैया आए हैं मिलने के लिए ये भी भैया आए हैं और भैयाओं का प्यार देख के हमें बहुत अच्छा लगा, देखो लोग तो हम लोगों को एक दूसरे से लड़वा रहे थे तो इधर की उधर की इधर, हमारा करण भाई है और हम सब सनातनी है, हमारा भाई है छोटा है अगर गलती भी करेगा तो हमारे रौनक के समान है, मैं ऐसी छोटी छोटी गलतियां कभी दिमाग पर नहीं करती हूँ क्योंकि छोटे बच्चों से गलती होती है, मैं बड़ी हूँ आप तो कहते हो अम्मा तो अम्मा को तो बच्चों को क्षमा करना चाहिए ना, करण भाई बहुत अच्छे हैं लोगों ने मुझे दूर कर दिया था तो बहुत से लोग जो सोच रहे थे इनकी बहुत बड़ी दुश्मनी है भैया ऐसा बचना ही ना मैंने लगे जोते नहीं नमाई जोते ठीक है
और जो संसार में हमारी समझ में तो यही आता है ना को कुछ कोई कुछ लेके आता है ना कोई कुछ लेके जाता है, व्यवहार रह जाते हैं, कमाओ कर्म रह जाता है, ठीक है। और जो कोई कुछ भी लेके जाता है तो वो धर्म होता है, ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा करण भाई, बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं और जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। वो ही दोस्त तुम्हारे आगे पीछे घूमते होंगे जब तुम्हारे अच्छे दिन थे और पलके झपकते ही थोड़ा समय खराब आया तो दूरी बना के सही हो बहुत गाली दी। हाँ ऐसा ही है जमाना, ये है। तुम्हारी चूली सुलगे तो 17 पूछे खाना खाने, अगर भूखे घर से निकलोगे तो कोई पानी की नहीं पूछेगा। इसीलिए हम सब एक हैं और एक रहेंगे और जलने वालों के मुंह पर तमाचा लगा भी रहेंगे। बस आइए, संदीप यादव है झिहूपुर वाले, बजरंगबली के भक्त हैं। लोग कुछ भी कहें लेकिन ये बंदा अपनी जगह पर अच्छा है और अच्छा रहेगा। दुश्मनों के कहने पर ये अपना रास्ता नहीं बदलेगा। मैं बार बार कहती हूँ संदीप, हमेशा सत्य की विजय होती लेकिन सत्य पर मुसीबत बहुत पड़ती है। जो सत्य मार्ग पर चलते हैं उनको रुकावट बहुत मिलती है, लेकिन कभी रास्ता बदलना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी हजार बार पहाड़ पर चढ़ती और फिसलती लेकिन अपना हौसला बुलंद रखती है। संदीप मैं तेरे साथ हूँ, जय यादव जय माधव। तो भैया हनुमान जी के भक्त हैं संदीप यादव। अब अपनी कहें तो हम तो ठहरे पढ़े लिखे अनपढ़ गमार, ठीक है। तो भैया भगवान को नाम चाहे मूड हिलाए के लो हो चाहे तारी बजा के लो हो, भगवान को नाम लो के लिए आदमी के, लेकिन तो लोग ने कही यार ये तो शरीर हुई हो वो पागल तो मिले वहां चले गए। और जो भगवान के नाम को दीवान होता अक्सर भैया वो पागल ही होते। मीरा को कितने लक्षण लगे थे, मीरा को लोग पागल कहते थे, लेकिन वाह। तो देखो रहीम और कबीर, इन्होंने गागा के रिजाया तो मेरा संदीप नाच नाच के रिजा रहा है, लेकिन रिजा तो रहा भगवान को। कोई बंसी बजाए के रिजा तो कोई। तुम्हारी कसम खा रहे संदीप के ऊपर अंगुली उठाओगे तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, आज नहीं तो कल। ये कलयुग है प्यारे, आज कर और कल देख। सत्य कसम कह रहे, मैं आत्मा से कह रहे, जो संदीप पर लक्षण लगाएगा उसका सर्वनाश होगा। संदीप भाई जय जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जय जय श्री राम।